सीधे आपको लेकर चलते हैं श्रीनगर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। श्रीनगर में बताया जा रहा है कि भारी बारिश हो रही है, शहर के कई इलाकों में बारिश लगातार हो रही है और भारी बारिश की वजह से श्रीनगर में चल रहे राहत कार्यों पर भी असर पड़ रहा है। अभी भी श्रीनगर, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि कई शहर के इलाकों में जलभराव है और इसकी वजह से हालात और खराब हो सकते हैं। और खबर यह आ रही है कि भारी बारिश की वजह से हवाई ऑपरेशन को फिलहाल बंद करना पड़ा है। सीधे चलते हैं श्रीनगर, जहां पर आज तक की संवाददाता प्रोमिला दीक्षित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। प्रोमिला, बारिश के बारे में जो पूर्वानुमान है वो क्या है, कब तक बारिश होगी और कितनी भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो राहत कार्य है उसमें कितना असर पड़ रहा है? देखिए, अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी है, बारिश हो सकती है और सुबह से ही बारिश की शुरुआत हो चुकी है। और अगर ये ऐसे ही होता रहता है तो जाहिर तौर पर राहत और बचाव कार्य के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बाय एयर आप लोगों को रेस्क्यू नहीं कर सकते। जहां पर हेलीपैड बनाए गए हैं वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, चॉपर्स नहीं चल सकते। और इसके साथ ही साथ जहां पर अभी पानी भरा हुआ है जिन इलाकों में, उस पानी को निकलने में जो तस्वीर दिख रही है, अगले 15 से 20 दिन लग जाने हैं, क्योंकि 10-10 फीट ऊपर पानी आया हुआ है। जहाँ लोग पहली या दूसरी मंजिल पर हैं वहाँ बोट के जरिए राहत सामान पहुंचाया जा रहा है और नाव भी अभी ऐसी स्थिति में कहाँ तक जा सकती है। और बारिश भी और तेज होती है, क्योंकि अभी तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तेज बारिश है। पूरे श्रीनगर में कुछ एक इलाकों में अभी हल्की बारिश हो रही है, लेकिन अगर ये और तेज होती है तो जाहिर तौर पर ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ बचाव कार्य आएगी बल्कि जो पानी है वो उतरने में वक्त लगेगा और ऐसे में लोगों के लिए और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लोगों के घरों में राशन पानी नहीं है और राशन पानी पहुंचाने का एकमात्र जरिया वो नाव है। जिनको रेस्क्यू करना है उनका एकमात्र जरिया एयर से आप उनको लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये परेशानी अगर बारिश और होती है और अगर ये 48 से 24 घंटे भी चल जाती है तो ये जाहिर तौर पर कश्मीर के लिए अच्छी खबर नहीं है, बहुत दिक्कत होने वाली है। तो जैसा कि आपने कहा कि जैसे हवाई ऑपरेशन तो बंद है, इसका मतलब यह है कि जो नाव से जो NDRF की टीम या फौज जिस तरीके से काम कर रही थी उन सब भी उन पर भी काफी असर पड़ेगा और उसको भी बंद करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, उन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अभी NDRF की टीम तैयार है तमाम इलाकों में जाने के लिए, लेकिन अगर ये बारिश तेज होती है तो जो वो राहत सामग्री ले जा रहे हैं उसको वहां तक पहुंचाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि तेज बारिश में नाव भी आगे कहां तक पहुंचेगी। आपसे हम बातचीत करेंगे और ज्यादा अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल आपकी ये रिपोर्ट हम आज तक मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। प्रोमिला दीक्षित जो इस वक्त हमारे साथ आज तक की संवाददाता फोन लाइन पर थी, इस पूरे माहौल का पूरे हालात का जायजा लिया, देखिए खास रिपोर्ट उनकी। कश्मीर में बदले मौसम ने एक बार फिर से कश्मीर के रहने वालों और राहत और बचाव कार्य में लगे हुए प्रशासन और सेना के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी है, क्योंकि मौसम खराब होना शुरू हो गया है। बादल छाए हुए हैं और उसके साथ ही रह रहकर बूंदाबांदी हो रही है, तमाम इलाकों में बारिश शुरू हो गई है और 48 घंटे तक इसी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगर ये बारिश होती है तो ऐसे में बचाव कार्य में भी दिक्कत आएगी, देरी आएगी, क्योंकि सुबह से ही चॉपर के लिए उड़ना मुश्किल हो गया है, क्योंकि एयर लिफ्ट जो किए जा रहे हैं लोग, जो हेलीपैड से जिनको लेके आया जा रहा है तमाम इलाकों से, तो ऐसे में अगर मौसम और खराब होता है तो चॉपर के लिए उड़ना भी संभव नहीं होगा, ये एक दिक्कत आ रही है। और उसके साथ ही जो तमाम इलाके हैं जहाँ पानी भरा हुआ है, लोग अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते, जो पहली या दूसरी मंजिल पर है उनके पास, चूंकि पूरी गृहस्थी डूब चुकी है, सब कुछ पानी में बह चुका है, ओढ़ने बिछाने को कुछ नहीं, ऐसे में और बारिश होती है तो लोगों के लिए दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। और मौसम जिस तरह अभी बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं, ठंड बढ़ गई है, तो ये परेशानी की बात है। और कश्मीर में अगर बारिश होती है तो हालात और खराब हो सकते हैं और 48 घंटों में जिस तरह की संभावना जताई जा रही है बारिश होगी तो हालात और बिगड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन परमेन शर्मा के साथ प्रमिला दीक्षित, श्रीनगर आज तक।